नहीं है कि गेहूं की उपज इस बार कम। शाहीन बाग हुआ उसमें बिरयानी भी लट रही थी, कहाँ अनाज की कमी है? शाहीन बाग में एक साल बिरयानी लगी, कहाँ कमी है अनाज की? और कितना करोगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये भी वो कमी राकेश टिकैत और आंदोलनकारी किसानों के कारण आई है, एक साल खेती छोड़ के बैठे रहे ये लोग। जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। नहीं यही पॉइंट है मैम। एक मिश्रा इसके मुंह यही जम जाएगी, नहीं बोलेंगे। एक साल अगर किसानी की होती, इन लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया होता और ये सारे किसानों को खेतों में रहते तो ये कमी नहीं होती। तीसरा भाई सुनिए, देखिए ऐसा है एक मिश्रा जी का, मुझे एक मिनट मिश्रा जी, चावला भाई ऐसा है, मिश्रा जी बहुत ही सीनियर राजनीतिक विश्लेषक है, जो कहेंगे मैं उनकी बातों से तथ्यों से सहमत होऊंगा। नहीं नहीं आप उनको तो मिश्रा जी को यह मौका दिया जाए, उनपे टोपी ट्रांसफर मत करिए। मुझे बताइए सर, 29 आज का विषय है तो चलते चलते एके मिश्रा जी से ये पूछ लीजिएगा कि कौन सी चक्की का आटा खाते हो। कोई कारण नहीं हो सकता। देखिए 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 त्यागी जी, वैसे तो आपसे ये दूसरे चैनलों में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ ले गलती से तो एके मिश्रा जी तर्क देंगे, उस तर्क को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं उनके पास कोई ना कोई। हाँ अब एके मिश्रा जी बात रखिए अपनी प्लीज जल्दी। चुप हो जाता हूँ, आप नाराज मत होइए, आप सरकार बना। नहीं नहीं मैं नाराज मिश्रा भाई, मैं नाराज नहीं हूं। सरकार बना लीजिए डिबेट में, आप डिबेट में सरकार बना लीजिए, चुनाव में तो मना नहीं करते हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है भाई, डिबेट तो भारतीय जनता पर सरकार बना रही है, चला रही है इसको तो आप ही डिबेट से सरकार बना लीजिए, किसने मना किया? एक मिनट बना लीजिए के मिश्रा, अगर डिबेट की सरकारें बनती है तो आप भी बना लीजिए। के मिश्रा प्लीज करिए आप लोग प्लीज, एक के मिश्रा में एक प्लीज, ये जो मसला है अनाज संकट को लेकर एके मिश्रा में किस नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि देश में अनाज संकट आने वाला है और बीजेपी ये कह रही है कि भैया ये रस्सी को सांप बता रहे हैं। चावला जी मुद्दा बड़ा गंभीर है, आपने जब बोला तो एक बार की तो मुझे भी भय लग गया कि भाई अगर ऐसी बात है तो ये तो वाकई में गंभीर चीज है, तो कम से कम इस डिबेट में ये निष्कर्ष निकल जाए कि ये रस्सी है और रस्सी का उपयोग करें सकारात्मक, कि हम जबरदस्ती रस्सी को सांप समझ के पूरा देश डरता रहे, मुद्दा यही होना चाहिए जी। देखिए आपने जो बताया कि हमारे पास केवल इतना अनाज बचा हुआ है, मुझे ये लगता है कि ये आपने सरकारी डाटा दिया है कि सरकार के पास कितना अनाज है। देश में जो भंडारण होता है वो कैसे होता है, एक तो सरकार खरीदती है प्रिक्योर करती है, ठीक है वो कम ज्यादा हो सकता है मैं मानता हूं, दूसरा 65 करोड़ यहाँ पे किसान है और हर किसान की जो उपज होती है वो साल भर के लिए खाने के लिए रखता है, प्लस अगले साल वो बीज का रखता है फिर बेचता है, तो अगर 65 करोड़ किसानों के यहाँ साल भर खाने के लिए है प्लस बीज का है, ये मैं भी किसान हूं, आज भी खेती किसानी गांव में होती है हमें पता है, और कोई भी किसान इसको जो है ना नहीं करेगा, तो अब फिर जो भंडारण का है वो किसानों के यहाँ होता है, थर्ड जो भंडारण होता है वो होता है व्यापारियों के गोडाउन में। मैं कोई निगेटिव बात नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है जितना सरकार के पास हो उतना ही व्यापारियों के गोडाउन में भरे पड़े हो दुकानों पे। देखिए किन किन लेयर पे भंडारण होता है, जो बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं वो भंडारण करते हैं, फिर उसके बाद जो छोटे व्यापारी हैं वो, फिर हर किराना दुकान पे जाएंगे तो 1-2 क्विंटल गेहूं डिफरेंट तरीके के चावल और ये सब चीजें पड़ी रहती हैं, तो कई लेयर पे मल्टी लेयर पे भंडारण है, जिसमें आपने केवल एक डाटा बताया या विपक्ष ने एक डाटा प्रस्तुत किया। नहीं, नहीं, वो नहीं, है गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम। मैं आपकी बात पे एग्री करता हूं, लेकिन एके मिश्रा मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं मैंने एक तो डरने की जरूरत नहीं है, हो सकता है गवर्नमेंट के पास उतना सफिशियंट ना हो, लेकिन जरूरत पड़ने पे व्यापारियों से और गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेके डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। मुझे नहीं मालूम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि मैं ये बता पाऊं कि देश में कितना भंडारण है और कितना नहीं है, तभी तो मैं बता रहा हूं। चावला जी नहीं, मेरी सुपर सुनिए सुनिए मेरी सुपर एक्सरसाइज है, मेरी बात सुनिए, चर्चा कर रहे हैं ना, मेरी बात सुन लीजिए। जो किराना की दुकानें होती है इस देश में, 1 करोड़ किराना की दुकान है और छोटे से छोटे किराना के दुकान पे कम से कम 1 बोरा चावल और 1 बोरा गेहूं मैंने देखा है, तो 1 करोड़ चावल 1 करोड़ जो है क्विंटल
चावल है 1 करोड़ क्विंटल गेहूं तो किराना की दुकानों पे है, फिर उनके ऊपर जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और बड़े बड़े आढ़तीय होते हैं उनके गोदाम भरे रहते हैं, तो सारे भंडारण को देखिए ना कि भंडारण कहाँ कहाँ होता है। एक एक सर, आप लोग सामान्य लोगों को कुछ मानते ही नहीं है, आप लोग भंडारण करवा जो व्यापारी वर्ग है जिसके पास पैसे उसी की बात करते हैं, अरे सामान्य वर्ग की बात कब करेंगे आप लोग? आप लोग तो उनकी बात, जिसका खेत है जाहिर सी बात पास होगा, दुकान है उसके पास होगा, लेकिन जिसके पास दोनों चीजें नहीं है वो तो आप काम करिए ना, सुनिए 120 करोड़ में से, सुनिए नहीं कहां से बात को घसीट के 120 करोड़ में 65 करोड़ लोगों को खाने की चिंता नहीं है, 120 करोड़ में से जो किसान है 65 करोड़ उनके पास अन्न की कमी नहीं है। पहली चीज ये फैक्ट पे बात करिए ना, जनरलाइज मत करिए मैम, जनरलाइज मत करिए, फैक्ट पे बात करिए, बात भंडारण की हो रही है तो जहां जहां देखिए, अगर किसी प्राइवेट कंपनी के पास भी भंडारण है तो गवर्नमेंट इतनी इमरजेंसी में जब खाने के लाने पड़ेंगे तो गवर्नमेंट उसको सीज कर सकती है, गवर्नमेंट उसको बाई बैक कर सकती है, कहां से जरूरत है तो पैसे होता है आपके कहने के बाद जो दुकानों पर भंडारण है वो भंडारण नहीं माना जाएगा। मेरे घर में भी 25 किलो रखा हुआ है, एक महीने की औसत रखी हुई है, भंडारण नहीं है करते हैं। अरे जमीन पर रहते आप बात करिए मैम, एक मल्टीलेयर जो है भंडारण होता है, प्रोक्योरमेंट होता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट ये विषय चिंताजनक हो सकता है कि गवर्नमेंट के यहाँ क्वांटिटी कम हुई है, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट और पर्सनल तीनों भंडारण लेवल देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि साफ को इस साफ से डरने की जरूरत नहीं है। सवाल ले लीजिए ना एक के मिश्रा, मैं उसके बाद भार्गव जी के पास जाना है, एक घरों में गेहूं और अनाज आता है गरीबों को मिलता है, अगर सरकार के पास नहीं होगा तो हम अभी जो देखिए गरीबों को जो गेहूं मिलता है वो उन लोगों को मिलता है, शहरों में मेरे अपने पूरे गाँव में कोई भी आदमी कार्ड धारक कार्ड पे जा करके नहीं खरीदता है गेहूं, सबके पास सारे गांव में यही है, छोटे किसान खाने भर का अनाज गरीब के पास होता है। एके मिश्रा जी हो गया, मैं आपके साथ के खरीदते हैं शहरों में जो गरीब लोग हैं आपके साथ लाइन लगा करके जिनके जिनके यहाँ एक मियां और एक बीवी है और 15 बच्चे हैं वो पाल के खरीदते हैं किसान है। हो गया सुधा जी, अमीर होना दूसरी चीज है, कम से कम हो गया भार्गव जी से कम छोटे से छोटे किसान के हो गया जो पिता है। एक के मिश्रा जी मैं मान लेता हूं आपका आधिकारिक बयान है कि देश में कोई अनाज का संकट नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपका आधिकारिक बयान मान लेता हूँ, ओके बस। अरे मैंने जो उसको विभाजित किया है उस हिसाब से लीजिए ना, आपके हिसाब से मेरे स्टेटमेंट को क्यों कह रहे हैं, आपके साथ आपके डाटा को मैंने मान लिया, मैं भाई अगर ऐसी चीज है तो चिंताजनक है सर, हम डिसेक्शन करते हैं। एक मिनट बहुत गंभीर विषय इस पर हम बहस क्यों कर रहे हैं, हम चर्चा करेंगे, एक सेकंड भार्गव जी, अकॉर्डिंग टू एके मिश्रा की बहुत गंभीर विषय है, लेकिन यहां पर अनाज का संकट है या नहीं मैं उसी सवाल को लेकर आ रहा हूं आगे, जो बात मैं एके मिश्रा जी को कह रहा था, जो बात मैंने त्यागी जी को कही, मेरा सवाल वही है कि अगर संकट है या नहीं है हमें पता कैसे चलेगा, या कितना हमारे पास गेहूं है कितना नहीं है, कितना हमने एक्सपोर्ट किया कितना नहीं किया, ये पता कैसे चलेगा, श्वेत पत्र सरकार को लाना चाहिए या नहीं, सवाल मेरा वही जस का तस। भार्गव जी देखिए तिलक भाई मैं पहले दो शब्द अपने मिश्रा भाई को कह देता हूँ, एक भोजपुरी में गाना चला था इलाहाबादी अमिताभ बच्चन के ऊपर, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही बदनाम है, तो हमारे एक के मिश्रा भैया बदनाम इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। दूसरी बात मैं क्षमा मुद्दे पे बात करिए, मैंने जो कहा प्लीज, दूसरी बात फिर लाइव कर लीजिए आप, आज देख देश की आज जो आर्थिक स्थिति है उस पे चर्चा ना हमारे मिश्रा भाई कर रहे ना हमारे भारतीय, अरे हम तैयार हैं सर, हमने 25 बार इसी चैनल पे और दूसरे चैनल पे मैं चुनौती देता हूँ जिसको इकोनॉमी पे महंगाई पे बेरोजगारी पे बात करनी है करिए, मैं करूंगा अब दिन भर करूंगा, एक घंटे नहीं दिन भर की डिबेट करूंगा सर। मिश्रा भाई अगर चिल्ला दोगे तो क्या देश की सारी आर्थिक व्यवस्था सही हो जाएगी, चिल्लाने से नहीं होगा ना, अब ये तो विपक्ष ने बोल दिया तो अनाज का
संकट आ जाएगा। अरे सुनो मिश्रा जी, विपक्ष ये चाहता है, विपक्ष की स्थिति है कि न खाता ना भाई, जो विपक्ष कहे वो सही। ये जबरदस्ती और गुमराह और अफवाह फैलाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना खाता ना भाई। ये चाहते हैं जो विपक्ष कहे वो सही, नहीं तो ये आरोप राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। राजनीतिक इससे बुरी बात क्या हो सकती, दुनिया चलाइए प्लीज। एक मिनट भार्गव जी अपनी बात रखिए। देखिए आज तिलक भाई ये बात सही है कि किसी भी चैनल पे आज देश की स्थिति के ऊपर, आर्थिक स्थिति के ऊपर या खाद्य पदार्थ के ऊपर या क्या हमारे देश प्रदेश में चल रहा है उसकी चर्चा कोई नहीं करता। इसी शोरगुल में देखिएगा कि 50 रुपए सिलेंडर पे कल फिर बढ़ गए, चर्चा कोई नहीं कर रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है। आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा और भी जो मैंने आकलन किया, मुझे लग रहा 15 जुलाई के बाद जो आटा खुल्ला जो है 27 से 29 रुपए बिक रहा है, 15 जुलाई के बाद मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है 35 रुपए किलो आटा बिकेगा। अब देखिए यहाँ खेल क्या है आटे का या अनाज का। जब सरकारी खरीद आपने आधा किया तो जो गरीबों को अनाज दिया जाता था फ्री में बांटा जाता था, उनको कैसे बांटेंगे? जाहिर सी बात है, हम अभी हमारे एके मिश्रा जी ने कहा इस देश में 65 करोड़ जो है किसान है। अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं, कहां से आपने आंकड़ा ले लिया 65 करोड़ किसान है भाई? कौन से आंकड़ा आपके पास है? चले जाइए गांव में, हम भी पूर्वांचल से हैं भाई, गांव गरीब की बात करता हूं मैं भी। जनसंख्या 1971 की 2022 का निकाल के देख लीजिए, जिनके पास 3 बीघा खेती था कितने किसान लड़के हुए, पहले सुनिए किसान है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं सुनो, मैं बता रहा हूं, डायनामिक्स मत बताइए। 1900 आप मुझे बताइए आज की डेट में भारत में लगभग किसान कितने होंगे? एक के मिश्रा क्यों डिबेट करते हैं आप? एक मिनट हो जाता हूं मैं आपके पास आऊंगा। आप मुझे डाटा बता दीजिए कितने किसान है, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक के मिश्रा सुन तो लीजिए, मिश्रा भाई सुन तो लीजिए, जो 1971 में जिनके बेटे थे 3, जिनके पास बीघा थी 3 बीघा, में 20 बीघा वाली बात कर रहा हूं पूर्वांचल की, 20 बीघा खेती को जिसको 1 बीघा बोलते थे, उसके पास पिताजी के पास 3 बीघा खेती थी, उसके लड़के हुए 3, एक एक बीघा डाइवर्ट हो गया, मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूं। उसके बाद देखिए हमारे बच्चे हुए, वो 1971 से 22 की बात बताइए, आज उसके पास 10 बीघा खेती रह गया। आप कौन सी किसान की बात कर रहे हैं मिश्रा जी? किसानी की ये बहुत कमजोर तर्क है, आपका ये तर्क टिक नहीं पाएगा। आप जो 1971 का व्यापार, 1971 में पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कितनी थी मुझे बताइए जरा। अब एक ही सवाल बताइए सीमा जी, 1971 में पर हेक्टेयर कितनी उपज थी? एक मिनट प्लीज सीमा जी, किसान का बेटा हूँ मिश्रा जी, मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं अभी धान लगाने भी गया था, मुझे मत समझाइएगा, धान की रोपाई करने में भी गया था। हम आपसे समझ लेंगे, हम आपसे समझ लेंगे, आपके पास 1 बीघा है, मैं बोलता हूं, मैं सुनो सुनो अपनी प्राइवेट उन चीजों को डिक्लेयर नहीं करता हूं, आपसे बड़ा किसान हूं और बहुत बड़ा किसान हूं। अरे भाई सुनो, अगर मेरे अपने जिले जो है ये भार्गव ऐसा नहीं है, मिश्रा भाई आपका पेट भरा तो देखो, मिश्रा भाई ऐसा नहीं है, पेट भरा तो पूरे हो गया, आप हो गया, बात ही नहीं समझता जी प्लीज। हम 10 पर अगर हम संतान हैं तो हम 10 परिवारों का और साथ में पेट भरते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भरते हैं। ओके, जो हमारे यहाँ कल्चर है वो हम बता रहे हैं। ओके ओके ओके, अच्छी बात है। एक मिनट सीमा जी, ये जो अनाज संकट को लेकर चर्चाएं हो रही है, सवाल यह कि अनाज संकट है या नहीं है, इसको लेकर बातें हो रही है, कुछ आंकड़े अभी मैं आगे रखूंगा, लेकिन एमएसपी को लेकर भी बात हो रही है, लेकिन इसके इतर क्या वाकई अनाज संकट अगर है तो सरकार को स्थिति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, और नहीं है तो फिर ये कोटा क्यों कम किया जा रहा राज्यों का? देखिए ये सख्त सही है कि गर्मी ज्यादा होने के कारण इस बार गेहूं की फसल कम हुई, पंजाब को जहां अनाज का कटोरा कहा जाता था वहां पर 25% एटलीस्ट कमी आ गई है गेहूं में इस बार, बिल्कुल आई है और इसी कारण जो है जो और जो चावल की खेती है, धान की खेती बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ी और बहुत अच्छा धान इस बार पैदा हुआ, वो कमी राकेश टिकैत और आंदोलनकारी किसानों के कारण आई है, एक साल खेती छोड़ के बैठे रहे ये लोग। जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यही पॉइंट है ना, एक मुंह यही बोलेंगे,
एक साल अगर किसानी की होती इन लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया होता और ये सारे किसानों को खेतों में रहते हुए कमी नहीं होती। तीसरा भाई सुनिए, 2014 से पहले 2013 में रामलीला मैदान में किसानों को नहीं जा सकता। जब राकेश टिकैत रामलीला मैदान में 2013 और 12 में कर रहे थे, राजनाथ सिंह आके बैठे थे, तब नहीं किसान। पूरे पंजाब के किसानों को बरगला के बॉर्डर पे बैठा दिया, खेती बाड़ी इन्होंने बंद करवा दी। आपने कीमत सुने, खेती बाड़ी बंद करवा दी, किसान नहीं देखा। ये भी बहुत बड़ा है ना, आंदोलन करने वाले किसान नहीं देखा। भारत में रहने को चावला जी बता रहे हैं कि अनाज की हर बार की चावला जी ने हमें डाटा में बताया। मिश्रा मैं बाहर चला जाता हूँ, आप बैठिए एक मिनट सर प्लीज। सीमा डोरा जी अपनी बात रखिए जी। फसलों की वेरिएशन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने इस बार खरीफ की फसल पे एटलीस्ट जो 14 फसलें हैं उस पे MSP बढ़ा दी। तो देखिए लोगों को फायदा तो होगा, किसानों को, और बहुत अच्छे से होगा। आप लोग इस चीज को मत देखिए कि हमारे यहाँ गेहूं की कमी है। यस ऑफकोर्स, जब खपत हमारी जो उपज कम होगी तो कमी तो होगी, लेकिन इतनी भी कमी नहीं है कि हमारे अपने देश के लोगों का भरण पोषण ना हो सके। नहीं कि तो रस्सी को सांप समझ ले, रस्सी को सांप मत समझिए, डरिए मत जी। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम इतने सशक्त हैं आज भी कि हम अपने लोगों को अच्छे से भरण पोषण कर सकते हैं। सवाल मेरा यह कि प्रोडक्शन जब ज्यादा हुई तो फिर खरीदी कम सरकार ने क्यों की? अगर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो खरीदी भी ज्यादा होनी चाहिए थी त्यागी जी। जी तिलक जी, इन्होंने इतनी बातें, तीन तीन प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तीनों प्रवक्ताओं का मैं जवाब देना चाहूंगी। क्योंकि सुधा बहन जी मुझे आपत्ति है, नहीं सुधा बहन जी मुझे आपत्ति है, आप एक सम्मानित राजनीतिक विश्लेषक को बीजेपी का प्रवक्ता ना कहे। उनका अपमान ना करें कम से कम। सांप और रस्सी तीनों लोग बोलेंगे तो मैं क्यों ना कहूं? आप सांप और रस्सी बोल सकते हैं, मेरे पास जो सही बोल, नहीं आप लोगों की समस्या ये है कि जो सही बात कहेगा उसको आप भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता घोषित कर दोगे। भाई मेरे पास एक बीघा, आपके पास 50 बीघा, तो जाहिर सी बात है 50 बीघे वाले पास ज्यादा होगा, एक बीघे वाले के पास कम होगा, जिसके पास बिस्सा में होगा। सुधा मैंने सुना नहीं, मैंने बोला केवल एक क्विंटल चावल और एक क्विंटल गेहूं अगर आप एवरेज लगा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 65% आबादी हमारी किसान है ना, आपने 14 वर्ष की 65 करोड़ क्विंटल हो जाएगा, सबसे न्यूनतम खरीदी की है, उसका प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं कि आपने क्यों कम खरीदा 14 साल में सबसे कम। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सबसे कम खरीदी की हुई है, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों गवर्नमेंट ने खरीदी कम की है, क्यों खर्चा, मैं बता रहा हूँ। एक तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई या गवर्नमेंट का किसी भी सरकार में ऐसा स्ट्रिक्ट नियम नहीं है कि भैया इस साल इतनी खरीदी हुई है तो अगले साल भी होगी। गवर्नमेंट ने खरीदी इसलिए कम की है, पिछले सालों में ज्यादा इसलिए की थी, कोविड के कारण मार्केट वगैरह बंद थे तो फसल के बिकने का। मिश्रा सुन लीजिए, एक है मिश्रा जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे आप बोलने दीजिए, सुनिए ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट कितना खरीदे, ओपन मार्केट में भी अगर ओपन मार्केट में भी माल खप सकता है। आप एक नियम ये जान लीजिए कि भारत भूमि पे एक एक चीज गवर्नमेंट की है, आपका मकान, आपके घर में सामान रखना, उसका अल्टीमेट ओनर राज्य होता है, स्टेट होता है। पूरा भंडारण आप देखिए किसी के घर में, प्राइवेट कंपनियों में, गवर्नमेंट के उसमें जो है, तो मेरे घर में जो अनाज रखा है वो उसका भी अल्टीमेट ओनर स्टेट है, अगर स्टेट चाहेगा तो वो अनाज ले सकता है और बिना कोई चेतावनी दिए हुए ले सकता है। जितना अनाज पूरे देश में हर लेयर पे पड़ा है आप उसको देखिए ना, मार्केट में जब स्टेट और लेवल है तो गवर्नमेंट जबरदस्ती क्यों सारा खरीदेगी, ज्यादा खरीदेगी? मार्केट में जब स्पेस अवेलेबल है पहले नहीं खरीदा जा रहा था। मैं आपकी बात समझ गया एके मिश्रा जी, आपकी बात मार्केट से डिमांड बढ़ गई, गवर्नमेंट ने संतुलित तरीके से खरीदा, बाकी मार्केट ने खरीदा। एक के मिश्रा में आपकी बात समझ गया कि इस बार जरूरत नहीं पड़ी, इस बार जरूरत थी नहीं सरकार को, इसलिए 56% कम खरीद हुई, मैं आपकी बात समझ गया।
सरकार को जरूरत नहीं थी आपके मुताबिक, इसलिए गवर्नमेंट को जरूरत होगी तो व्यापारियों से भी खरीद लेगी, सीज कर लेगी। व्यापारियों से क्यों? किसान इसका मतलब नहीं है कि मार्केट में माल पड़ा है तो वो गवर्नमेंट का नहीं है। आपको कैसे पता हो? गवर्नमेंट उनको बाई बैक कर सकती है पैसे देकर। मैं वही कह रहा हूँ ना, सरकार को इसका मतलब जरूरत नहीं थी तभी तो 56% कम खरीद हुई ना। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। सरकार की अपनी कैलकुलेशन होती है कितना होगा, कितना करना है। अच्छा आपको पता चल खरीदा, गवर्नमेंट 2 महीने बाद अगर जरूरत पड़ती है तो खरीद लेगी। ओके, 6 महीने बाद खरीद लेगी। सर मैं मान गया, विदेशों से भी खरीदती है। मैं आप ही की बात मान गया, सरकार ने इसलिए कम खरीदा होगा। ओके ओके, भार्गव जी आपकी बारी, और आप प्लीज बीच में कोई ना बोले और व्यक्तिगत कमेंट नहीं प्लीज। भार्गव जी, किसानों के साथ धोखा हुआ या फिर अनाज के संकट की बात करके आप लोग जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं जनता को? देखिए एक मिश्र भार्गव जी, जी अपनी बात। मैं बताना चाहूंगा, देखिए तिलक भाई, हम बात कर रहे हैं किसान के उपज के ऊपर, और हमारे यहाँ आपको पता है चावल से जिसको जुखाम बुखार खांसी होता है वो चावल नहीं लेता, रोटी दाल ही खाता है। अब रही बात इसको, तो यही देख लो गेहूं की खरीद का मामला, इसको समझने का पहले मैंने पीछे भी बताया था। आर्गव जी, एनर्जी का जो सोर्स इंडिया में है, मैं स्टेट वाइज बताऊंगा तो राइस साउथ इंडिया से लेंगे, बंगाल से लेंगे, यूपी का प्लीज सबसे बड़ा फूड प्लीज। ऐसा नहीं है मिश्रा जी कि आपका पेट भरा तो पूरे पूरी जनता का पेट भरा है। वो बात दूसरी है, अमीरी गरीबी की बात दूसरी है। ये नहीं, आप बात दूसरी है, सबने भोजन कर लिया ये ठीक नहीं है। आप नाराज मत होइए, आप सरकार बना। नहीं मैं नाराज, मिश्रा भाई मैं नाराज नहीं हूं, सरकार बना लीजिए डिबेट में, आप डिबेट में सरकार बना लीजिए, चुनाव में तो बना नहीं पाते हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है भाई, डिबेट से भारतीय जनता पर सरकार बना रही है, चला रही है इसको तत्काल। आप डिबेट से सरकार बना लीजिए, किसने बना किया है? एक मिनट, सरकार बना लीजिए के मिश्रा, अगर डिबेट से सरकारें बनती है तो आप भी बना लीजिए के मिश्रा प्लीज। बात करिए आप लोग प्लीज, एक मिनट, एक प्लीज, ये दिखाता है आपके अंदर की जनता से कितना सरोकार आपका है प्लीज। इस तरह से आप लोग बहुत गंभीर विषय है करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी बात का कोई मतलब ही नहीं है। भार्गव जी प्लीज, अपनी बात भार्गव जी प्लीज, बात केवल तर्क की है, बात केवल तर्क की है, मैंने कोई भी अतार्किक बात नहीं की है। आप तर्कों की बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। एक हमारी शुभकामनाएं हैं, सरकार बनाइए, हमारी शुभकामनाएं हैं। हाँ ओके ओके, मेरी भी शुभकामनाएं, आप बहुत जल्दी बीजेपी के प्रवक्ता बने, मेरी भी महंगाई कोई मुद्दा नहीं। धान की खेती निर्भर है, भ्रम निकालो, बीज पे, खाद पे, अपने दिमाग से, अब मैं बताना चाहूंगा, अपने दिमाग से ये भ्रम निकालो। महंगाई महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है देश में। देखिये तो मुंगेरी लाल के सपने थे, राहुल गांधी जी ने भी बोला था पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ माइंड, ये राहुल गांधी ने बोला था। आप देखिए हर सवाल में राहुल गांधी आ जाते हैं। मिश्रा जी शायद बोला क्षमा चाहने वाले मांग लू, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसा मुझे याद आ रहा है कि राहुल गांधी जी ने बोला था पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ माइंड। एक सेकंड, अगर गलत मिश्रा जी मैं नाम लेता हूँ, एक सेकंड सीमा डोरा जी, मिश्रा जी अगर सच बोलोगे तो ये आप सीमा डोरा जी का प्रवक्ता, सीमा डोरा जी देंगे क्षमा, मैंने पहले ही मांग लिया सामने, क्षमा मैंने क्षमा मांग लिया, सच बोलना मना है। मैं त्यागी जी डिबेट खत्म, एक सेकंड डिबेट खत्म करो, एक सेकंड प्लीज, सत्य तो बोलिए कम से कम प्लीज, एक मिनट प्लीज सुधा जी, एक सेकंड सीमा डोरा जी, मेरा सवाल वही था जो पहले था, अगर ये भ्रम है तो इस भ्रम को सरकार को दूर करना चाहिए या नहीं, पहली बात। और क्या ये भ्रम अगर श्वेत पत्र जारी होगा तो ये भ्रम के सारे बादल छट जाएंगे कि नहीं? सीमा जी अनम्यूट कर लीजिए मैडम जी। बिल्कुल ये भ्रम है, मैं इस चीज को मानती हूँ, कहीं सरकार ने लीगल कहीं ऑफिशियल ऐसा बयान नहीं भेजा कि हमारे पास कभी अनाज की कमी है या हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। जब कोरोना काल में इतने लोगों को राशन घर तक पहुंचा दिया तो हमें कहां से तकलीफ है, हमने तो ये बात कही और ये बात सच भी है कि गेहूं की उपज इस बार कम। शाहीन बाग हुआ उसमें बिरयानी भी बट रही थी, कहां अनाज की कमी है? शाहीन बाग में एक साल बिरयानी, कहां कमी है अनाज की? और कितना करोगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
और ये भी सही है सर कि जब मैंने बोला ना पंजाब अनाज का कटोरा होता है वहाँ पर, वहाँ पर भी तथाकथित किसान आंदोलन में जो कांग्रेस समर्थित था उसमें भी लंगर चल रहे थे। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्ले करिए, अब इस आंकड़े को ध्यान से देखिएगा। एके मिश्रा प्लीज बीच में मत बोलिएगा प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर सकता हूं। ये आप जो आंकड़ा देख रहे हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस आंकड़े के मुताबिक इस बात को समझिएगा, दुनिया का एक चौथाई, दुनिया में एक चौथाई कुपोषित भारत में है, दुनिया के एक चौथाई कुपोषित भारत में है, यह रिपोर्ट ये बताती है। ये हालात तब हैं जब भारत में दूध सब्जी दाल और फलों के उत्पादन हम टॉप पर हैं, हम टॉप पर हैं। प्लीज त्यागी जी मैं इसीलिए इस विषय को लेकर आया था पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं इसलिए कुपोषण की रिपोर्ट कहती है 2021 में दुनिया में 76 करोड़ 80 लाख लोग कुपोषित हैं। कितने? 76 करोड़ 80 लाख लोग कुपोषित हैं। मैं इसलिए इस खबर को लेकर आया एके मिश्रा जी, भारत में इनकी संख्या 76 करोड़ 80 लाख है और उनमें से 22 करोड़ 40 लाख सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, यानी कि 29%। मैं इसलिए इस खबर को लेकर आया। प्लीज एके मिश्रा जी, पहले त्यागी जी देखिए ऐसा है, एके मिश्रा जी का मुझे एक मिनट मिश्रा जी, चावला भाई ऐसा है, मिश्रा जी बहुत ही सीनियर राजनीतिक विश्लेषक है, जो कहेंगे मैं उनकी बातों से तथ्यों से सहमत होऊंगा। नहीं नहीं, आप उनको मिश्रा जी को यह मौका दिया जाए, उन पे टोपी ट्रांसफर मत करिए, मुझे बताइए सर। मैं टॉपिक ट्रांसफर नहीं कर रहा, क्योंकि मिश्रा जी ने पहले गलत बात यस किया था, तो मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ। 22 करोड़ 40 लाख भारतीय हैं, यानी कि 29 जी, मैं उन्हीं पे बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। एक चावला जी सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है त्यागी जी, क्या ये गंभीर है विषय की नहीं? वो भी तब जब दुनिया में सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादन देशों में से हम एक हैं। क्या मैं चावला भाई एक बात आपसे कहना चाहूंगा, क्या कुपोषण की वजह केवल खाद्यान्न की नहीं हो सकती है? ये कहां लिखा है आप मुझे बताइए। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। क्या कुपोषण की क्या खाद्यान्न की कमी से ही होता है? खाद्यान्न की कमी से कुपोषण नहीं होता, बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ तभी 22 उनमें से कारण हो सकता है, लेकिन 100% कारण नहीं हो सकता। आप घोषित मतलब एके मिश्रा जी, चावला भाई उनमें से एक कारण हो सकता है खाद्यान्न कमी का, लेकिन 100% वही कारण नहीं हो सकता। देखिए त्यागी जी, वैसे तो आपसे ये दूसरे चैनलों में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ ले गलती से तो एके मिश्रा जी तर्क देंगे, उस तर्क को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं उनके पास कोई ना कोई। हाँ, आप एके मिश्रा जी बात रखिए अपनी प्लीज जल्दी से। चावला जी देखिए, मैं आपके इस डाटे से बेहद चिंतित हूं और ये बड़ा गंभीर डाटा है जो आपने दिया है, क्योंकि आज समय समाप्त हो गया है, कल आप इसी मुद्दे पर रखिए और एक घंटे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कुपोषण और मैल न्यूट्रिशन जो है। मैं आपको एक चीज सिर्फ इसमें चलते चलते ये बोलूंगा, ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी को मिले हुए 70 साल हो गई और ये क्रांति वो क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन व्हाइट रिवॉल्यूशन सब हो गए, लेकिन कुपोषण नहीं गया। उसमें एक मेन रीजन ये है कि भारत में पोषण का सबसे बड़ा रीजन या कारक होता था गाय या भैंस का दूध। अब पता चला हम गाय को मार के खाएंगे, दूध तो चाहिए नहीं, तो अब क्यों चिल्ला रहे हो कि हमारे बच्चे कुपोषित है? गाय का दूध केवल एक ऐसा है जो संपूर्ण आहार है। थैंक यू, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एके मिश्रा, मैं समझ गया आप कहां मैं क्या कह रहे हैं। कल इस पे डिबेट रखिए, मैं सारे फैक्टर की एनालिसिस करूंगा। बिल्कुल, एक घंटे रखिए, मैं करूंगा। बिल्कुल त्यागी जी, समझ में आ गया। हमारे चावला डिसाइड कर लीजिए कि कुर्बानी में हजारों जानवरों की जान देनी है कि दूध। अगर जानवरों का मांस खाएंगे तो आपके बच्चे कुपोषित रहेंगे।
चावला भाई मेरी तो समझ में आ गया, आपको जवाब मिल गया या नहीं? नहीं मुझे चावला भाई उचित जवाब मिला आपके सवाल का या नहीं? मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया बस जवाब, उनको भी मिल गया जो लाइव मैंने बताया ना एक घंटे बिल्कुल बिल्कुल करिएगा। चावला भाई, चावला भाई मैं केवल स्पष्ट जवाब देने से बच रहा था, उस चीज को स्पष्टता के साथ मिश्रा जी ने रख दिया। हाँ मैं समझ गया था सर, मैं समझ गया था, तभी लाइव में लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि अगर आज अनाज का विषय है तो चलते चलते एके मिश्रा जी से ये पूछ लीजिएगा कि कौन सी चक्की का आटा खाते हो, समझे? तो ये कहानी भी है। खैर छोड़िए, सीमा जी आपके पास आना चाह रहा था, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग आप डिबेट में शामिल हुए और ऐसे